जी नाजरीन, आपको बताते चले, बल्टिस्तान संगी की टीम पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 14 ओवर्स में 150 रन बना के आउट हो गई है, तो जुबली रेड के लिए 151 रन का टारगेट दिया है। सबसे पहली बात, कंग्रेचुलेशंस, बल्टिस्तान संगी ने बहुत अच्छा टारगेट दिया है, लेकिन एट द एंड जिस तरह से उन्होंने मायूस किया हमें, मैं तो मायूस बोलूंगा कि लास्ट ओवर इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ऑलमोस्ट 165 प्लस होता तो इट्स मतलब फाइटिंग मैच होता, ये भी फाइटिंग मैच है। आपने जिस तरह बोला कि ये जो है डिफेंडेबल है टारगेट, जो है डिफेंडेबल टारगेट है, अगर बल्टिस्तान संगी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ ग्राउंड में उतरती है, अपने बॉलर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करती है, तो ये जो है 150-151 का टारगेट जो है डिफेंडेबल। तो यहाँ पे बल्टिस्तान, मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे बल्टिस्तान संगी के जो कैप्टन को और बॉलर्स को अगर शुरू में अगर एल या अगर जो रेड टोपिक अगर एक दो विकेट जल्दी गिराने में कामयाब हो गया तो चलो ये लोग मैच का वापस आते थे, अदरवाइज इनके पास बहुत लंबी बैटिंग है। रेड टोपिक के पास नो डाउट शेरुल्ला है, इमरान सीनर है, इमरान जुल्लर है, अच्छा सुधीर है और इकबाल है, और ये चार पाँच का तो नाम मुझे याद है, तो देखना यह है इनको यहाँ पे रोकना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमारे शायकीन को, और बल्टिस्तान संगी के हिसाब से जो ना उन्होंने 10 से 15 रन उन्होंने शॉट बनाया है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बशीर भाई, जैसे स्टार्ट बल्टिस्तान संगी ने लिया था ना, लेकिन बाद में 5 ओवर के बाद जैसे कमबैक जुबली रेड ने किया, बल्टिस्तान संगी को भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए कि अपने मेन बॉलर्स को किस तरह यूज़ करते हैं, कैप्टन टोटली डिपेंड करता है उस पर, तो अगर बॉलर्स को सही यूटिलाइज करेंगे तो डिफेंडेबल। बहुत शुक्रिया अंसार भाई और अपना बशीर भाई, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, फंडिंग का टाइम है, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, बेस्ट ऑफ लक बशीर भाई।